What's up YouTube and welcome back to my channel. I hope you guys are doing absolutely fantastic and welcome to another day and another vlog in the Epic Explorer. So it's a morning and the time is 7 a.m. So I tried leaving early because of obviously the heat wave that is going on in Delhi, and currently the situation is really really bad. After 8 o'clock the weather goes super super crazy and super super hot, so which is why it's much feasible to leave early for office. So let's go and start today's vlog. तो जिसने भी ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल और डू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द चैनल. एंड इफ देर इज एनी थिंग दैट यू वॉन्ट टू शेयर लाइक एनी व्लॉग और समथिंग, डू लेट मी नो सो दैट. ओके, देर इज सम हाई सिक्योरिटी अलर्ट ओवर हियर अगेन. चलो भैया आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो आई होप आप सब बढ़िया कर रहे होंगे. और ओके, और मेरी आवाज आई होप क्लियर आ रही होगी, आई एम नॉट श्योर. सो ऊपर ये आप देख रहे हो, ये मेट्रो की लाइन है. सो आई बिलीव दिल्ली में काफी अच्छे से मेट्रो की लाइन को, मेट्रो को कंस्ट्रक्ट कर रखा है आम पब्लिक के लिए. और लेट मी चेक अगर ये रिकॉर्ड हो रहा है, तो हाँ रिकॉर्ड हो रहा है. सो लेट्स गो. आई होप ऑडियो भी रिकॉर्ड हो रही होगी. ओके, गर्मी हो रही है बहुत भयंकर. खतरनाक कट था यहाँ पे. राइट, आजकल तो बढ़िया बढ़िया बाइक्स लॉन्च हो रही है बैक टू बैक, देख रहा हूँ. आफ्टर कोविड इतनी सारी बाइक्स लॉन्च हो गई, इतनी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस वाली और कम बजट में, के देख के लगता है भैया इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग हब काफी ज्यादा ग्रो कर रही है. अभी रिसेंटली बजाज ने लॉन्च करी थी NS 400Z. NS 400Z shares the same engine as KTM Duke 390, बस उसको थोड़ा ट्यूनिंग थोड़ी अलग करी हुई है. तो इट्स अ लिटिल लोअर पावर्ड देन द KTM Duke 390. हालांकि इंजन कैपेसिटी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है. और वो बाइक लॉन्च करी थी 1.85 लाख में, विच इज एब्सोल्युटली अमेजिंग. तो वो बाइक भी मेरे को चेकआउट करनी है, वो अभी तक मैंने देखी नहीं है. सो बजाज के फाउंडर का मैं एक इंटरव्यू भी देख रहा था, उन्होंने भी बताया था कि कैसे हमारी गवर्नमेंट हाई टैक्स लेती है फ्रॉम द कस्टमर्स, जिसकी वजह से बाइक्स का प्राइस एक्चुअली बढ़ जाता है, जो कि 28% जो कि गवर्नमेंट ही लेती है. सोचिए अगर अभी 1.85 की है तो इसमें टैक्स में हटने के बाद और कम हो जाएगी. बिकॉज जो ब्राजील जैसी अलग अलग कंट्रीज हैं, तो बाकी जितनी भी सारी कंट्रीज हैं उनमें टैक्स का जो स्लैब है वो 8% से 14% है, लेकिन इंडिया में इट इज 28%. आई एम नॉट श्योर वाई, बट द थिंग इज ऐसा नहीं है कि ये अभी हो गया, ये काफी टाइम से ऐसे ही था. इंडिया में ऑटोमोबाइल का टैक्स स्लैब स्टार्टिंग से ही ज्यादा था. सो अगर गवर्नमेंट टैक्स को कम कर दे तो हवा काफी गाड़ियां काफी बजट में आ जाएंगी. ऑलराइट, सो लेफ्ट साइड में ये सारा आई थिंक लक्ष्मी नगर है, और लेफ्ट में ये जो आप रोड देख रहे हो ये जा रही है नोएडा की साइड पे, और हमें जाना है राइट साइड में टुवर्ड्स प्रगति मैदान. अक्षरधाम जी आ गए. तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, और इफ यू नीड मोर वीडियो लाइक दिस ऑन दिस होंडा CB 350 RS. तो इस बाइक को चलाते हुए मेरे को ऑलमोस्ट 15,000 किलोमीटर हो चुके हैं,
हाँ 15,000 किलोमीटर हो चुके हैं और इस बाइक को मैं पहाड़ों पे भी ले गया हूँ और इस बाइक ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है इवन ऑन द माउंटेन्स क्रूजिंग के लिए। कोई वाइब्रेशन नहीं होती है अनलाइक द रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 जो कि आपको आई थिंक 80 या 90 से ऊपर वाइब्रेशन देने लग जाती है हाथों में भी पैरों में भी। अभी तो मैंने बहुत ही पतले वाले ग्लव्स पहने हुए हैं जस्ट टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम द सन, बट मेरे पास एक राइनोक्स के भी है एयर जीटी ग्लव्स, वो मैंने पहने नहीं है क्योंकि थोड़े मोटे रहते हैं वो ग्लव्स। सो जब भी मैं लॉन्ग राइड में रहता हूँ तो वही वाले ग्लव्स को पहनता हूँ एंड इवन वाई नॉट वेयरिंग द ग्लव्स दोज टाइप्स ऑफ हैवी ग्लव्स, मैं इस टाइप के सिंपल से ग्लव्स पहन रहा हूँ और कभी भी एज सच कोई वाइब्रेशन मेरे को फील नहीं हो रही है। तो दिस वी आर जस्ट क्रॉसिंग द यमुना रिवर, ये वही रिवर है जहाँ पे पिछले साल बाढ़ आ गई थी, ओवरफ्लो हो गया था क्योंकि शायद बाकी स्टेट्स में से हरियाणा हो गया हिमाचल हो गया वहाँ पे काफी ज्यादा बारिश वारिश हुई थी। लेट्स गो। हाईवे एक्सप्रेस वे बनाने में लोगों को थोड़ी बहुत सुविधा तो होती है बट ऑन अ लॉन्गर रन देखा जाए तो जिस तरह से पहाड़ कट जाते हैं उससे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो आप बना तो दोगे हाईवे और एक्सप्रेस वे चौड़े चौड़े फोर वे लेन के मनाली जैसी जगहों में, बट उसके बाद होता क्या है मनाली जैसी जगहों में बाढ़ आ जाती है, बुरी हाल हो जाती है, सारे रोड्स वोड्स टूट जाते हैं, मदर नेचर पूरी फुल ग्लोरी में आ जाती है। अभी रिसेंटली जब मैं मनाली गया था तो मेरा एक्सपीरियंस यही था, मनाली को देख के लोग खुश हो जाना चाहिए था बट मनाली देख के ऐसा लग रहा था भाई ये क्या मनाली है, यहाँ पे क्यों ही आना है, कोई ग्रीनरी नहीं है कुछ नहीं है। हाँ अगर आप थोड़ी और आगे जाओगे अटल टनल की तरफ तो शायद आपको कुछ दिख जाए बट मनाली में स्पेसिफिकली आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, वहाँ पे टूटी फूटी रोड्स दिखेंगी, हाईवे सारे टूटे पड़े हैं, बाढ़ आ रखी है, बुरी हालत हो रखी है, पेड़ वेड़ सारे सूखे हुए हैं, कुछ भी नहीं है और लोग इतने खचाखच भर भर के जाते हैं मनाली के बस पूछो मत। तो ऐसी जगह पे जाने क्यों है जहाँ पे आप इंजॉय नहीं कर पा रहे। Right, speed thrills but kills. That is true, that is so true. I think आपको responsibly चलानी चाहिए bike को। और ये bike अभी है 330 kilometers की range दिखा रही है, इसकी mileage almost I think without traffic अगर bike ठीक ठाक चल रही है तो 32-33 दे देती है और अगर ट्रैफिक में फंसे हुए हो तो अगेन 25-26 अगर आप फर्स्ट गियर में चला रहे हो तो। सो कुछ लोगों को शायद कम लगती होगी माइलेज बट दिस बाइक हैज वेरी गुड परफॉर्मेंस, सो जितनी हाई परफॉर्मेंस रहेगी उतनी ही कम माइलेज रहेगी और इसका जो सर्विस कॉस्ट है वो भी ठीक ठाक ही है। सर्विस कॉस्ट वुड ऑलमोस्ट लाइक कॉस्ट अबाउट 2,000 rupees पर सर्विस अगर आप कोई मेजर चेंजेस नहीं कर रहे हो अपनी बाइक में, तो इसकी सर्विस कॉस्ट भी आपको इतने की ही पड़ेगी 2,000 की, विच इज़ आई एम सेइंग दिस एज अ पेड सर्विस क्योंकि इसकी सारी फ्री सर्विस तो एग्जॉस्ट हो चुकी है। ये बाइक मैंने ली थी इन 2022 एंड, तो उसके तो फर्स्ट ईयर तक फ्री सर्विस थी, उसके बाद पेड सर्विस थी और होंडा बिग विंग की सर्विस बहुत सही होती है, सारी सुपर बाइक्स होंडा की सेम बिग विंग के सर्विस सेंटर में ही आती है जहाँ पे ये बाइक होती है और उसके टेक्नीशियंस भी उसी तरह से ट्रेंड होते हैं जैसे कि CBR 650 बिग विंग में जाती है वहीं पे ये बाइक भी सर्विस होती है। फाउंटेन्स यस फाउंटेन्स ब्यूटिफिकेशन होनी चाहिए एंड ग्रीनरी ऑफ कोर्स।
We need more greenery, not just in the mountains but also in the cities. We need to balance the ecosystem accordingly. Otherwise, जो मैट्रिक्स मूवी में वो दिखाता है कि जो एजेंट स्मिथ होता है वो बोलता है ह्यूमन बीइंग्स आर लाइक वायरस, व्हेरेवर दे गो दे मल्टीप्लाई देमसेल्व्स एंड डिस्ट्रॉय नेचर. उस टाइम तो छोटे थे समझ नहीं आता था, बट नाउ आई थिंक मिस्टर स्मिथ मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. व्हेरेवर ह्यूमन बीइंग एक्चुअली गोज इट मल्टीप्लाइज एंड डज डिस्ट्रॉय द नेचर. सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट. We need to make sure that if we are cutting down the trees for any development, road construction or anything, we need to build 10 times the number of that in that place or some other place. हालांकि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर जगह से हटाओगे और किसी और जगह पे लगा दोगे वो आप नेचर के साथ तो छेड़छाड़ कर ही रहे हो. अगर आप लगा भी दोगे तो भी डैमेज तो होना ही होना है. सो इट्स बेटर यू ट्राई टू मर्ज डेवलपमेंट विद द नेचर. एक प्रॉपर रेशियो होना चाहिए डेवलपमेंट का. फोर्स ट्रैवलर ये वाली जो रोड है ये मेरे को थोड़ी बहुत चंडीगढ़ की याद दिलाती है, मतलब इतनी ज्यादा भी नहीं चंडीगढ़ की, तो और भी ज्यादा चौड़ी सर्विस लेन है या फुटपाथ फॉर वॉकिंग है. वहाँ पे अलग से साइकिलिंग का भी ट्रैक बना रखे हैं लोगों के लिए, बट यहाँ पे थोड़ा इशू है साइकिल ट्रैक का. यहाँ पे इतनी साइकिलिंग को इतना महत्व शायद नहीं दे रखा है जितना चंडीगढ़ को दे रखा है. वहाँ पे तो कोई हाईवे नहीं है, कोई एक्सप्रेसवे वगैरह. एक्सप्रेसवे भी बाहर बाहर की साइड पे ही है डेफिनेटली, पर कोई भी फ्लाईओवर नहीं है. इट्स ऑलमोस्ट 7:30, मेरी घड़ी शायद 5 मिनट पीछे है. इट्स ऑलमोस्ट 7:30 और उस 7:30 में भी काफ़ी ट्रैफिक हो गया है. अभी तो जब मैं गुड़गांव पहुंचूंगा तो वहां पर भी ट्रैफिक जाम लग जाएगा लाइक 8 बजे तक, बट हाँ इतना ज़्यादा भी नहीं होता. नाउ दिस इज़ अ नेहरू प्लानिटोरियम आ चुका है. आई एम नॉट श्योर ये नेहरू प्लानिटोरियम ओपन है कि नहीं है. एम्बसी रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया. ऑल राइट, द एम्बसी वाली रोड आ गई, बट वी नीड टू गो टू शांति पथ. ऑल राइट, पीपल आर प्लेइंग फुटबॉल विच इज गुड. आई थिंक लोगों को छुट्टियां हो रखी है, क्या हो रखा है, आई थिंक वर्क फ्रॉम होम हो गया. मोस्ट ऑफ द ऑफिसेस में If they actually care about their employees, they should have given work from home or something like that to avoid the heat wave. But काफी private offices भी नहीं देते हैं work from home nowadays as well, और even काफी voting वाले दिन भी काफी offices leaves नहीं देते हैं. Which is very bad. You know, a lot of employees won't even try to fight against that because they don't want to reduce the rapport between their company and themselves, obviously. Okay, we need to go straight. और यहाँ पे हो गई है red light. I'm not sure कि कितनी देर की red light हो गई यहाँ पे. Dominar 250. मैंने कभी चलाई नहीं Dominar 250, but I believe इसका भी अच्छा इंजन होगा बिकॉज इट डिराइव्स इट्स इंजन फ्रॉम द KTM ड्यूक 250. ग्रेट. सो गुड थिंग अबाउट होंडा सीबी 350 RS, इट्स नॉट अ वेरी अग्रेसिव बाइक लाइक द KTMs. हाउएवर इट हैज इनफ पावर दैट इट कैन पुल, बट एकदम से आपको जर्क फील नहीं होता, कोई झटका फील नहीं होता. यू डोंट फील स्ट्रेस्ड आउट कि भाई ये बाइक इधर उधर ना भाग जाए. ये बाइक आपके पूरे कंट्रोल में रहती है. लो जी, गुड़गांव आते आते द ट्रैफिक हैज नाउ स्टार्टेड टू बिल्ड अप. लेट्स सी कितना ट्रैफिक होगा इस टाइम पे. आई थिंक शायद कोई VIP मूवमेंट की वजह से भी कभी कभार ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है क्योंकि वो रोड्स को बंद कर देते हैं. सो लेफ्ट जा रही है आपकी एम्स की तरफ,
जो कि इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स है, एम्स हॉस्पिटल। एंड सीधा यू गो टू आईजीआई एयरपोर्ट। एक जो ऊपर आपको लाइन दिख रही है वो दिल्ली मेट्रो की लाइन है, आई थिंक एरो सिटी वाली राइट साइड में जो है वो है, वो आपको कनेक्ट करती है आईजीआई एयरपोर्ट 3 के साथ। या आई कैन सी द ट्रैफिक, और टाइम हो रहा है 7:34 और 7:35 अप्रॉक्सीमेटली। आज का दिन है, दिन भी मैं बता दूं, आज का दिन है थर्सडे का, सो इट्स थर्सडे इन द मॉर्निंग, कॉन्टिनेंटल GT 650। दिस इज अ गुड बाइक, बट इतना फ्यूल वो पी जाती होगी कि भाई उसको ले जाना ही मुश्किल हो रहा है। Now we have almost entered Gurgaon, I think. No. Yeah. But हाँ, ये सारा ट्रैफिक गुड़गांव जाने वालों का है। आई एम नॉट श्योर कि द्वारका एक्सप्रेस वे बनने के बाद क्या ट्रैफिक में चेंजेस आया है। सिर्फ और सिर्फ आई थिंक द्वारका वाले लोगों के लिए थोड़ा बहुत राहत होगी, लेकिन दिल्ली वाले लोगों के लिए कोई राहत नहीं है। Even after the building of the new Dwarka Expressway, no doubt वो बहुत सही बना हुआ है, बहुत अच्छा बना हुआ है, काफ़ी अच्छे से कंस्ट्रक्ट हो रखा है, बट द प्रॉब्लम ऑफ गुड़गांव ट्रैफिक इज नॉट येट रिजॉल्व बिकॉज ऑफ इट। सो इफ somebody wants to come during the office time at 9 AM or 8:30 then it will be very challenging for that person. Especially during this heat. All right, straight Dwarka, left side Dwarka, straight Gurgaon. Okay. So, जो लोग दिल्ली के बाहर से वीडियो देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। यूजुअली मेरे को बोला जाता है कि भाई दिल्ली एनसीआर में वीडियो बना के हुआ क्या, हमने देखा हुआ है। अरे भाई, पीपल ऑफ दिल्ली एनसीआर, यू आर नॉट द ओनली व्यूअर्स। दिल्ली के बाहर जो लोग हैं उनको थोड़ी बहुत दिल्ली की इंफॉर्मेशन अगर मिल जाए तो क्या बुरा है। जैसे कि साउथ इंडिया से, मिडल पार्ट ऑफ इंडिया से, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से, नॉर्थ के रीजन से। वाओ, इट्स अ नाइस वे ऑफ सिटिंग। इस रोड से कभी भी जाओ, आपको एक ना एक फ्लाइट तो टेक ऑफ करते हुए या लैंड करते हुए दिखे जाती है। जैसे कि ऊपर मेरे को एक दिख रही है, आई एम नॉट श्योर किस की फ्लाइट है, किंगफिशर है या नॉट श्योर। माल्या साहब, देश लूट के भागे मालिया साहब। ऑलराइट, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। राइट, लॉट ऑफ कंस्ट्रक्शन हैपनिंग इन गुड़गांव। काफी सारी नई बिल्डिंग्स बन रही है, काफी सारे नए ऑफिसेज बन रहे हैं, काफी कुछ हो रहा है। सुनने में आ रहा है गुड़गांव की ग्लोबल सिटी भी कोई बनने वाली है आगे जाके, थोड़ी वो मानेसर की साइड पे है, वो भी इसी रोड पे अगर सीधे जाओ तो वो एक और फ्लाइट टेक ऑफ कर रही है, वो इट्स प्रीटी ऑसम। आई थिंक इट्स एन एयर इंडिया फ्लाइट। हाँ, ये काफी नीचे है तो शायद दिख गई, विच इज ऑसम। हर कुछ सेकंड में फ्लाइट टेक ऑफ करते हुए दिखते रहते हैं यहाँ पे। तो ये ऊपर से आप राइट जाओगे तो आपको आईजीआई एयरपोर्ट की तरफ लेके चले जाएगा। यहाँ से सीधा जाओगे देन यू विल गो स्ट्रेट टुवर्ड्स जयपुर की तरफ। अब तो जयपुर जाने के लिए भी काफी इजी हो गया है विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। तो जो जो लोग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में जा रखे हैं
जाना चाहते हैं या किसी को इन्फॉर्मेशन है, डू लेट मी नो कि उसकी कंस्ट्रक्शन कितनी कंप्लीट हो रखी है। बट द प्रॉब्लम इज इन द दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, वहाँ पे बाइक्स अलाउड नहीं है जहाँ तक मैं जानता हूँ, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कार्स ही अलाउड है। इफ़ एंड ओनली इफ बाइक्स वर अलाउड, मज़ा आ जाता वहाँ पे बाइक चलाने में। टॉकिंग अबाउट एक्सप्रेस वे, ये रहा द्वारका एक्सप्रेस वे। तो ये जो द्वारका एक्सप्रेस वे लेफ्ट साइड से ऊपर को जा रहा है, यहाँ से जब आगे से घूम के राइट साइड में जाएगा तो आपको पूरा एयरपोर्ट का रनवे दिखाई देता है, आपको दिखाई देता है कोई फ्लाइट लैंड हो रही है या टेक ऑफ हो रही है। सो यू विल बी एबल टू व्यू दैट, इसका व्यू काफ़ी अच्छा है इफ़ यू टेक दैट एक्सप्रेस वे। मैं अभी तक गया नहीं हूँ, मैंने यूज़ नहीं करा अभी तक द्वारका एक्सप्रेस वे का, बट आई विल शो यू द्वारका एक्सप्रेस वे समडे। वील टेक द सर्विस लेन। सर्विस लेन में थोड़ा इजी रहता है। ऑलराइट, पेट्रोल अभी दिखा रहा है 341 किलोमीटर्स की रेंज। सो इसका गियर शिफ्ट भी इतना स्मूथ है कि मज़ा आ जाता है। हाँ, कोई शिफ्टर वगैरह नहीं है भाई साहब, ना इंडिकेटर दे रहा है ना कुछ कर रहा है, बस काट दिया। अगर इसमें कोई शिफ्टर आता तो काफ़ी सही, मज़ा आ जाता, वो भी अच्छी क्वालिटी का। होंडा का नया ई क्लच आया है, वो सारी 650 सीसी बाइक्स होंडा की उससे ऊपर आपको मिल सकता है। देन आई थिंक एक्सेसरी मिलता है या फिर एज स्टैंडर्ड मिलता है, बट वो काफ़ी अच्छा है। होंडा का न्यू ई क्लच, इन्होंने पेटेंटेड टेक्नोलॉजी नई क्रिएट करी है। होंडा अफ्रीका ट्विन में तो ऑलरेडी ऑटोमेटिक गियर आते हैं, उसमें आपको गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं अफ्रीका ट्विन में। इट्स अ वेरी गुड बाइक। एंड दैट्स द रेडिसन होटल, हम इसी साइड पे जाएंगे और सामने एम्बियंस मॉल आपको दिख जाएगा। इसी एरिया में संडे के दिन काफी सारे लोग बाइक्स चलाते हैं और मीटअप वीटअप भी इधर ही करते हैं वो। लिंक्डइन का ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस, डी शॉन कंपनी, स्प्रिंकलर, ह्यूलिट पैकर्ड एचपी का, हीरो फिनकॉर्प का, सारे बड़े बड़े ऑफिस यहाँ पे खुले हुए हैं डीएलएफ डाउनटाउन में। डीएलएफ डाउनटाउन के जस्ट बैक साइड पे ही डीएलएफ साइबर सिटी भी है। Alright, that's the Hotel Leela place just behind the Ambience Mall of Gurgaon. Ambience Mall bhi kafi purana sa ho gaya hai, but it's a famous spot. Alright guys, if you like this video, do like, share and subscribe to my channel. And if you want some more videos on the highways or on the mountains or in the city, do let me know in the comment section. Till then, ride safe and ride smart, wear all the gear, and see you in another vlog. This is the Radisson Hotel.